हेलो गाइस, स्वागत है आपका द पापा टेक्निकल चैनल में। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि डिश टीवी ओल्ड मॉडल बॉक्स अगर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, इन बॉक्सों को अपग्रेड कैसे करना है और अपग्रेड करने के बाद में कौन सा बॉक्स आपको मिलने वाला है। जैसे कि ये मॉडल आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तो एक तो ब्लैक बॉक्स है, काफ़ी पतला बॉक्स है। ये जो बॉक्स हैगा MPG2 बॉक्स हैगा। और इन बॉक्सों में क्या प्रॉब्लम आती है, सिग्नल्स का इशू आता है। जैसे 301 प्रॉब्लम आती है इन बॉक्सों में और काफ़ी ज़्यादा चैनल इसमें आते नहीं है। सेम ये भी बॉक्स है, MPG2 बॉक्स है वाइट कलर का, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सिग्नल प्रॉब्लम आती है, 301 का इशू आता है बार बार और आधे से ज़्यादा चैनल आपके आते नहीं है। जिस चीज़ के जिस चैनलों के आप पैसे देते हैं और वो चैनल आपके आते नहीं हैं। तो गाइस, ये अपग्रेड करने के बाद में और आपको ये वाला जो बॉक्स मिलने वाला है, ये जो बॉक्स हैगा आपका 499 का, 499 के अपग्रेड में आपको ये पुराना वाला सेट रिमोट और बॉक्स ही आपसे ले लेंगे डिश टीवी वाले। और पुराना ये सेट पूरा आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, नया बॉक्स मिलेगा, नया रिमोट मिलेगा, ठीक है जी। और ये जो बॉक्स है MPG4 बॉक्स है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं MPG2 बॉक्स है। MPG2 चैनल जो भी है वो आपके चल रहे होंगे, MPG4 की क्वालिटी वाले जो चैनल है वो आपके जैसे बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं सेटअप बॉक्स का मॉडल है, दूसरा हमारा रिमोट कंट्रोल है, तीसरा AB केबल एक हमें मिलने वाली है, बैटरी सेल इसी बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और फटाफट से मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या निकलने वाला है। मैं अपने सर्विस सेंटर से हाल ही फिलहाल में लेके आया हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट सारा के सारा मटेरियल निकलेगा और वही आपको मिलने वाला है। ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं, यूज़र मैनुअल है कैसे आपको रिमोट कंट्रोल करना है और कैसे अपने टीवी से अटैच करना है। बाई चांस अगर आप जैसे टेक्नीशियन लगा के जाते हैं और आप शिफ्ट होते हैं कहीं पे और आपसे भी केबल वगैरह हट जाती है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाते हैं। 3 कलर की केबल ऐसे लगनी है टीवी में अटैच करनी है, बाकी ऊपर से जो वायर आती है वो इसमें लगनी है, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं इसमें आपके केबल टाइप पी क्लिप भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप वायर कहीं पे अटैच करना चाहते हो, ये मिलेगा आपके साथ में। और ये बॉक्स के साथ में जो आप केबल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। जैसे कि कई बार टीवियों में पिक्चर हिलती है या कार्बन सा आ जाता है, तो मतलब पिक्चर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है या वॉल्यूम साउंड करती है बारी बारी, तो ये जो केबल से कोई साउंड नहीं आएगा, पिक्चर क्वालिटी एकदम क्लियर आएगी। तो वही इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसका जो रिमोट है, आप रिमोट देख सकते हैं, काफ़ी पतला रिमोट बनाया है और जो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला रिमोट है, ठीक है जी। तो इसमें जो देख रहे हैं आप DVD की तरह सेम, जैसे आप DVD अगर आपने यूज़ किया है तो सेम वैसा ही रिमोट है। तो इसमें हर की पे, हर बटन पे लिखा हुआ है कि किस बटन पे क्या काम आता है, मतलब एग्जिट का बटन है, बैक का बटन है, आई का, इन्फॉर्मेशन का हो गया, गाइड का हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल अप डाउन, नंबर की दबा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप रिमोट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में दो बैटरी सेल, जैसे कि आपने बॉक्स में लिखा हुआ देखा था, बैटरी सेल आपको दिख गया है। और दो कनेक्टर हैं, ये जब आपके अगर केबल कनेक्टर ख़राब होंगे, जब ये चेंज होते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं अडप्टर। ये अडप्टर आता है 12 वोल्ट का, डिस्ट्रीब्यूटर हर बॉक्स में देता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो अडप्टर की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये जो क्वालिटी है, मतलब कि अगर जैसे कि कुछ घरों में चूहे वगैरह होते हैं और वो काट देते हैं, वैसे तो ये कटेगा नहीं जल्दी, और अगर कट भी जाता है बाई चांस, तो आपने बाहर से परचेज़ नहीं करना है, कंप्लेंट करनी है सीधे और आपका जो अडप्टर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अपना डिश टीवी का मिनी सेटअप बॉक्स से, जो कि अपग्रेड में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में और बहुत ही छोटा बॉक्स मिलने वाला है आपको। तो ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, बस ये जो साइज़ जो मोटापा है इसका वो इसके बराबर ही होएगा, खैर इससे थोड़ा ही पतला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना, मतलब ये जो बड़े वाला बॉक्स है डिश टीवी को देने वाले हैं, तो कितने बॉक्स इसमें बन जाएंगे। एक यहाँ निकलेगा, दूसरा यहाँ निकलेगा, तीसरा यहाँ, 4 बॉक्स के कहते ना 4 in 1। तो अगर ये बॉक्स बनाओगे इस बॉक्स से तो 4 बॉक्स बन जाएंगे, लेकिन ये अकेला बॉक्स 4 बॉक्सों के काम आएगा। तो ये जो बॉक्स आप देख ही रहे हैं मेरे हाथ में, कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा है। और पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपना RG6 केबल इसमें लग जाता है। 3 आपकी जो कलर की लीडें लगी हैं वो यहाँ पे अटैच हो जानी है। चौथा आपका ये जो अडप्टर है वो इस जैक में ऐसे लग जाएगा, ऐसे कलर बाई कलर लीडें आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो गाइस, ये अटैच करने के बाद में आपका जो TV है चल जाएगा और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो अपग्रेड है सिर्फ 499 रुपये का होएगा। और मैंने एक कस्टमर्स का, जैसे कि आपके जैसे आप वीडियो देखते हैं और उनका भी मैंने अपग्रेड करवाया था,
तो 499 रुपये का अपग्रेड हुआ था, और 499 पे कॉल सेंटर वाले कह रहे थे ऑफर था कस्टमर के लिए 499, उसे कैशबैक मिल जाएगा वो भी रिचार्ज के थ्रू। जैसे कि आपको रिचार्ज नेक्स्ट मंथ करवाना नहीं पड़ेगा, 400 रुपये आप टेक्नीशियन को देंगे और 400 रुपये ही आपके अकाउंट में रिवर्स 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑफ़र पता करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आपको, और अपना जो बॉक्स हैगा वो अपग्रेड इजीली करवा सकते हैं। तो गाइस ये ऑफ़र और ये बॉक्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस पिक्चर क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है, और जैसे कि आपके जो चैनल बंद हो गए हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे चैनल इसमें चल जाएंगे, जो आपके पैकेज में और जिस चैनल के आप पैसे दे रहे हैं वो सारे चैनल इसमें चल जाएंगे। गाइस वीडियो फिलहाल में इतनी है, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोबारा से रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। थैंक यू जी, वीडियो इतनी है, टाटा बाय बाय।